मशरूम को गर्म पानी में अच्छे से धोना है और ब्रोकली को भी गर्म पानी में धोना है अच्छे से। ज़्यादा तीखा चाहिए तो हरा मिर्च दे सकते हैं। अभी एक पैन में 3 स्पून तेल डालना है, तेल को गर्म होने देना है। तेल गर्म हो जाए तो मशरूम डालना है और थोड़ा सा नमक डाल के उसको स्टीम में पकाना है धीमी आंच में। थोड़ा सा नमक डाल के स्टर करना है, 2-3 मिनट पकाना है। गर्म हो जाए, पक गया तो उसको दूसरा बर्तन में डाल के फिर एक पैन लेके 3 स्पून तेल डालिए। फिर जीरा डालना है, जीरा थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें ब्रोकली डाल दीजिए। कैप्सिकम डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, स्टर करके फिर इसको स्टीम में पकाना है 2 मिनट। बीच बीच में चेक करते रहना है क्योंकि ऑयल बहुत कम है इसके वजह से। आप प्याज डालना है, इसको भी 1 मिनट पकाना है। प्याज थोड़ा नरम हो गया, अब इसमें टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च डाल देना है। फिर स्टेन करके एक मिनट पकाना है। एक मिनट हो गया। अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और चीनी डाल के अच्छे से पकाना है इसको। पूरा मिक्स्ड हो जाना चाहिए मसाला, अच्छे से मिक्स्ड हो जाना चाहिए। फिर जो मशरूम रेडी किया था वो डाल देने का। अच्छे से मसाला को मिक्स्ड करना है। आप 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है। बीच बीच में चेक करते रहना है कि ताकि नीचे ना जल जाए। फिर धनिया और स्वाद अनुसार नमक डाल के अब प्लेटिंग के लिए तैयार है। फुल्ली स्टीम हेल्दी ब्रोकली एंड मशरूम देसी स्टाइल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपको अगर सेम वीडियो इंग्लिश और बंगाली में भी देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।